ये क्राइसिस है, अब क्राइसिस में आप किसी से कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। पहले मुझे ये लगता था, हमेशा से ये लगता था कि फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, हमेशा इसमें काम रहेगा। एक लोकल तो है, मिडिल क्लास जो पर्सन है उनके करियर पर बहुत बड़ा इस पर अभी हुआ है और बहुत असर पड़ा है। सिंह राठौर और मैं टूर गाइड हूँ। मेरा नाम अस्मिता है, मैं एक शेफ हूँ, मैं फ्रीलांस बेसिस पे काम करती हूँ। मेरा नाम कुमार चंदे है, मैं फिल्म मेकिंग के क्लासेस लेता हूँ, साथ ही में मैं डांसिंग सिखाता हूँ। मेरे टूर चल रहे थे बैक टू बैक, तो मिड फेब से हमारे कैंसिलेशन आने शुरू हो गए और उसके बाद 15th मार्च के बाद तो सब कुछ ही शट डाउन हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसके बाद तो हम बिल्कुल खाली हैं। लॉकडाउन के पहले काफी बिजी थी, काफी काम था, अब वर्क लाइफ एट लीस्ट एंड ऑलमोस्ट लाइफ हैज कम टू एन एब्सोल्यूट स्टैंडस्टिल। ये मैं घर पे लेता हूँ क्लासेस, लॉकडाउन होने से पहले बहुत अच्छा चल रहा था, उसके बाद तो बहुत ही प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो सारे बच्चे जो थे वो चले गए और कुछ रहा ही नहीं। ये एक ऐसी चीज है जो कभी किसी ने इमेजिन नहीं करी थी, एक्सपेंसेस तो सारे वही है। आई स्टिल हैव टू पे माय इंस्टॉलमेंट फॉर माय कार एंड माय हाउस, लेकिन जो इनकम थी वो नहीं है। पहले मैं बॉम्बे में थी, मैं कुछ एक सपना देख के गई थी बॉम्बे की, बॉम्बे में लाइफ होगी, बिकॉज देयर इज नो इनकम, देयर इज एब्सोल्युटली नो कैश लाइक इनकम कमिंग इन, सो आई थिंक क्या मतलब वहाँ की लाइफ गिव अप शायद करनी पड़ेगी, रेंट नहीं दे पा रही हूँ तो वो घर गिव अप करना पड़ेगा। जो मुझे लास्ट सैलरी मिला फेब में मिला था मुझे, उसके बाद मार्च में तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो अप्रैल आ गया, अप्रैल में भी कुछ नहीं, जो सेविंग्स है उसी पर मैं अभी निर्भर हूँ, तो आगे एक दो महीने तक तो ठीक है मैं चल पाऊंगा, लेकिन उसके बाद अगर ये ज्यादा कुछ बनता है तो ये बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। ये नहीं लगता कि इवन ये लॉकडाउन खुलने के बाद भी टूरिस्ट इतनी जल्दी आएगा, या कंडीशंस इकोनॉमिकली इतनी वायबल होंगी किसी कंट्री के लिए कि वो लोग ट्रैवल करें, शायद अगले साल भी हमारे पास काम नहीं होगा, तो बहुत अनसर्टेनिटी है और बहुत डिप्रेसिंग है। एंजाइटी यू नो इस बात की है कि मतलब इतने सालों तक जो एक काम किया है अब उसका फ्यूचर क्या होगा, यू नो मे बी द वेटर्स विल हैव टू वेयर मास्क्स, देयर विल बी डिजिटल मेन्यूज, मे बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्टोरेंट्स एज वी नो इट आई थिंक विल सी अ लॉट ऑफ चेंज। एंटरटेनमेंट का लाइन है, एक हॉबीज का लाइन होता है, गवर्नमेंट जो है सबसे पहले हमारे फूड क्लोथिंग और शेल्टर पे देखेंगे, लोगों के हेल्थ पे काम करेंगे। एंटरटेनमेंट जो बिजनेस होता है ये बहुत ही लेट है, इसके बारे में सब लोग आराम से सोचेंगे। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है तो सबसे पहले मेरा बस यही काम रहेगा कि मैं अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमोट करना शुरू करूँ, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ सके। जब ये रिवाइव होगा तो शायद इतना अच्छा होगा कि हम ये जो साल दो साल हम नुकसान में रहेंगे इसकी सबकी भरपाई हो जाएगी। आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इट एंड आई होप ऐसा हो। एज लॉन्ग एज पीपल आर अराउंड यू नो पीपल आर स्टिल गोना वांट टू एंजॉय फूड एंड सोशलाइज एंड गो आउट, सो लेट्स सी व्हेन वी गेट द चांस अगेन वी विल स्टार्ट बिल्डिंग अप फ्रॉम स्क्रैच, बट देयर विल कम अ डे दिस टू शैल पास।